पहली ढाल में चारों गतियों में हम दुख कैसा कैसा होता है ये जाना, और उस दुख का कारण मेरी अपनी अज्ञानता है, ये भी अपन ने जाने। दूसरी ढाल में वो जो मेरी अज्ञानता है वो कॉन्सेप्ट को लेकर के भी है, नॉलेज को लेकर के भी है, और अपने आचरण को लेकर के भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही मेरे संसार भ्रमण के कारण हैं, ऐसा मैंने जाना। और जो वास्तविक तत्व हैं, उन जो प्रयोजन पुरुष सात तत्व हैं, उनका मुझे समीचीन से श्रद्धान होना चाहिए था, तो उसमें भी मैं फेल रहा। उसमें भी मेरा जीव को लेके मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अजीव को लेकर के नहीं था, आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों को लेकर के मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, यही मेरा मिथ्या श्रद्धान था, और इन्हीं का प्रॉपर नॉलेज नहीं था तो वो मेरा मिथ्या ज्ञान था। और इन दोनों को समझे बिना जो कुछ भी मैं क्रिया करता हूँ वो सब भी मेरी मिथ्या होती चली जाती है। तब फिर तीसरी ढाल में हमने समझा कि वास्तविक श्रद्धा क्या है और ज्ञान क्या है और आचरण क्या है। तो तीनों की परिभाषा दी कि आत्मा में रुचि होने का नाम तो सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीन हो जाने का नाम सम्यक चारित्र है। तब फिर वो कहते हैं कि ये तो बड़ी परिभाषा है, हमको प्रारंभिक अवस्था में बताओ। तो फिर कहते कि सात तत्वों की श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, और सच्चे देवगुरु शास्त्र उसमें कारण बनते हैं। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य और सात तत्वों का श्रद्धान, या सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी श्रद्धान और सात तत्वों का भी श्रद्धान, उनका जैसा स्वरूप कहा है भगवान ने वैसा ही हमको क्लियर होना चाहिए हमारे भीतर। तो ये जो क्लैरिटी है वो श्रद्धान है। हमने अब इस श्रद्धान के हो जाने पर हमें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं ये सब भी पढ़ा, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जब हमारा श्रद्धान सही होता है तो हमारा ज्ञान भी समीचीन होता है और हमारा आचरण भी समीचीन होता है। इसलिए श्रद्धान बहुत आवश्यक है, ज्ञान और आचरण को समीचीन बनाने वाला यही श्रद्धान है। अब हम आज देखते हैं कि वो ज्ञान कैसा है। हमने पिछले दिनों श्रद्धान के बारे में तो काफी समझ लिया तीसरी ढाल तक। चौथी ढाल में अब कहते हैं सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रगटावन भान। अब इसको इसमें मैं भी सोच रहा था कि सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना है, उसके बाद फिर मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय करना है। लेकिन इस ऐसा किसी को ना लगने लगे इसलिए आगे जाकर के इसको क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ कथन करने की शैली है ये कि सम्यक श्रद्धा तो मैंने प्राप्त कर ली है, अब सेवहु सम्यक ज्ञान, इसके बाद नंबर आता है सम्यक ज्ञान का, सो मैं सम्यक ज्ञान के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लूं। देखो अब इसी लाइन का ऐसा अर्थ हो गया, सम्यक दर्शन के बारे में तो मुझे जो जानने योग्य था वो मैंने जान लिया, अब मैं सेवहु सम्यक ज्ञान अर्थात अब सम्यक ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ सीधा सीधा कोई निकाले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, पहले सम्यक श्रद्धा को ग्रहण करके फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करना चाहिए अर्थात उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसा सीधा अर्थ नहीं निकलेगा, ये निकलेगा कि समीचीन श्रद्धा हमको हो गई है, अब हमको ज्ञान के बारे में भी समझ लेना चाहिए। वो ज्ञान कैसा है, स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रगटावन भान। स्व और पर इन दोनों को जो कि बहु धर्म युत अनेकांतात्मक है, हर पदार्थ अर्थ का अर्थ यहां पर पदार्थ, तो पदार्थ अनेकांतात्मक है, उस अनेकांतात्मक पदार्थ को बताने वाला स्व और पर को प्रकाशित, स्व मतलब अपने स्वयं आत्मा को, जिस आत्मा में ज्ञान रहता है वो ज्ञान उस आत्मा को भी बताता है और आत्मा से पृथक अन्य पर पदार्थों को भी बताता है। स्व और पर दोनों को बताने वाला ऐसा ज्ञान है, और कैसा है वो, भानु के समान, सूर्य के समान, जैसे सूर्य जब आता है तो स्वयं को बताने के लिए किसी अन्य सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूर्य जब चमकता है तो उसके प्रकाश से सूर्य स्वयं का भी ज्ञान करा देता है और वही जितनी पदार्थ हैं उनका भी ज्ञान करा देता है। इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान कैसा है, सूर्य के समान है, जो अपने आत्म तत्व को भी दिखाता है और अन्य बाह्य अनंत धर्म से युक्त जितने पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित कर देता है।
ना इसका ऐसा भी हो सकता है क्या कि स्वयं तो ज्ञान हो ही रहा है उसको, पर दूसरों को भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तब फिर ज्ञान के जो दो विशेषताएं हैं वे दोनों न बनेंगी, क्योंकि ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानने में सहयोगी है। ये यहाँ पर अर्थ है ना उसका। अगर हम ये अर्थ ले लेंगे कि स्वयं को तो जानता ही है, ऊपर के लिए जो है जानने में निमित्त बन जाता है, सहायक बनता है तो वही अगर कहने की शैली है। पदार्थ और दूसरे व्यक्ति जो मेरा केवल ये है कि अपना तो कल्याण कर ही रहा है वो, पर उस ज्ञान के जरिए दूसरे लोगों का भी नहीं, स्व पर ऐसा है तो स्व मतलब स्वयं का और पर मतलब दूसरों का, वहाँ पर व्यापक अर्थ है अपन। अच्छा, वह ज्ञान कैसा है, स्वयं को प्रकाशित करने वाला भी है और समस्त जगत के पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाला, पदार्थों से लेना है। उस ज्ञान का लाभ स्वयं को भी मिलता है और दूसरे को मिलता है, यह तो है ही। ज्ञान तो स्वयं को भी लाभान्वित करता है और आसपास जितना भी वातावरण है उसको भी लाभ करेगा, लेकिन यहाँ इतना छोटा सा अर्थ नहीं लेना है। ज्ञान वो है जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, जितनी उसकी सीमा है। अगर बड़ा ज्ञान है तो समस्त को करेगा, छोटा है तो जितनी सीमा है उसके भीतर, अपनी सीमा के भीतर प्रकाशित, लेकिन करता हमेशा सौ ऊपर दोनों को है, सूर्य के समान वो है। इस तरह सामान्य रूप से ज्ञान के बारे में तो इतनी ही बात कह दी, लेकिन यहाँ पर ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है वो सम्यक दर्शन के साथ है, इसलिए सम्यक ज्ञान कहलाएगा। वैसे तो सभी जीवों का ज्ञान स्वपर प्रकाशक ही होता है, ये अकेले सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है कि वो स्वपर प्रकाशक है। ये तो समस्त जीवों के पास ज्ञान है जो सौ ऊपर को बताने वाला, और सौ ऊपर भी अनंत धर्मात्मक है, बहुधर्म युत अनेक धर्मों से युक्त। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का दादा भी है, नाना भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, कितने सारे गुण उसके भीतर हैं, लेकिन हम जब उस व्यक्ति को जानते हैं तो उसके समस्त रिश्तों को भी जानते हैं। इस तरह बहुत धर्मों से युक्त पदार्थ को, स्व पदार्थ को भी और पर पदार्थ को भी, दोनों को जानने वाला यह ज्ञान है, चूंकि सम्यक दर्शन के साथ है। सेवा हमने सम्यक दर्शन के साथ चूंकि ज्ञान की सेवा की है, इसलिए ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और अब कहते